नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ओम पब्लिक स्कूल जसनपुर की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमने आराधना काव्य के कवि और काव्य का गान किया था, तो आराधना काव्य सुंदर गान हमने किया था। अब आराधना काव्य का भावार्थ हमें समझना है। तो कवि कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो हमारा शरीर, हमारा मन, तो हमारा शरीर और मन से एक ही प्रार्थना है कि हम सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हम सत्य बोले, हम सत्य बोले और हमारा मन सुंदर हो और हमारा जो विचार है वह मंगलकारी बने, ऐसी कभी आराधना चाहते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे समाज में जो दीन दुखी लोग हैं, दुखी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे दुखी लोगों के प्रति हमें मानवता रखनी चाहिए। यही तो दुखियारों का दुख जाए, यह मेरी मनोकामना है, मेरे मन की एक इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। तो मैं दुखिया दुखी लोगों की वेदना को परख पाओ, कैसी हे ईश्वर तुम मुझे संवेदना दो। दुर्बलों के रक्षावनत पौरुष की साधना। दुर्बल जो लोग है उसकी मैं रक्षा करूं, ऐसी हे भगवान मुझे ताकत दे। पौरुष की यानी के हे भगवान हमें ताकत दे, ऐसी साधना में करना चाहता हूँ। जीवन में नव तेज हो, तो जीवन के अंदर नया तेज हमारे अंदर तुम नया तेज डालो। अंतरंग में भावना, हमारे शरीर की भीतरी अंग में ऐसी भावना डालो भगवान की सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो हम सुंदर बन सके ऐसी हमारे मन में आशा की किरण हो, ऐसी मानवता की मैं उपासना करना चाहता हूँ। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो हम हमारे अंदर शौर्य आए, हम धीरजवान बने, यही अभ्यर्थना का भी चाहते हैं। वीर सभी अस्त होवे वेर और वासना वीर। तो मानव के प्रति जो जातिवादी के धर्म के जो वेद है, तो वेद अस्त हो गए, तो हमारे अंदर जो वैर और वासना है उनका भी नाश हो और सभी मनुष्य की एकता, सभी मनुष्य एक होकर रहे, ऐसी कल्पना कभी करते हैं। मुक्त हो चाहे एक ही बद्धता के, हम मुक्त रहे, हमारे ऊपर कोई मुश्किल कोई दिक्कत ना आए, ऐसे हम मुक्त बने। और चाहे एक ही बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, समग्र विश्व के कुटुंब है, ऐसे हमारे बंधुता हम मिलजुल कर रहे, ऐसी कामना कभी करते हैं। तो यह काव्य का भावार्थ हुआ है। अब जो शब्दार्थ और टिप्पणी यह आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है। प्रार्थना यानी के निवेदन करना, आप पुस्तक में सत्ता और टिप्पणी दी गई है तो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। गुरु कार्य में मैं देखूंगा यह सत्ता और टिप्पणी। आज का गुरु कार्य है आपका प्रार्थना यानी के निवेदन करना, मांगल्य यानी के मंगलकारी, नित्य निरंतर प्रतिदिन हर रोज। आराधना यानी कि पूजा, आराधना करते हैं ईश्वर की, आराधना यानी कि हम पूजा करते हैं। वेदना कष्ट व्यथा परख, गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, किसी व्यक्ति के गुण और दोष को हम निश्चित करते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं, उसको परख कहते हैं। संवेदना, हमारे अंदर जो संवेदना होती है, अनुभूति यानी कि सहानुभूति, हम किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। दुर्बल
कमजोर। साधना यानी कि उपासना आराधना, अंतरम शरीर के भीतरी अंग यानी कि मन मस्तक, आस आशा भरोसा सहारा कामना, मानवता मनुष्यता, आसना यानी के आराधना या भक्ति, धैर्य धीरता धीरज सब्र, अभ्यर्थना यानी के अनुरोध विनती, हम किसी से विनती करते हैं अभ्यर्थना करते हैं, अस्त यानी के ओझल अंत नाश और समाप्त, उसके चार शब्द है ओझल अंत नाश और समाप्त, वेद एटले दुश्मनी और शत्रुभाव वासना यानी के कामना। अब हम सद्य की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक कि कवि कैसी आराधना चाहते हैं, कवि कैसी आराधना चाहते हैं। प्रश्न एक कवि के नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो उसका उत्तर है, हमें नोटबुक में लिखना है कि हम सत्य बोले और मंगलकारी भावना हो, मंगलकारी भावना हो ऐसी आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। इसकी मनोकामना चाहते हैं, तो दुखियारों का दुख हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तो कभी का मुखिया रोग का दूर दूर हो, मुखिया रोग का दूर हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। दुखिया रोग का दुख को दूर हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षण किसकी साधना चाहते हैं, कवि
दुर्बलों के रक्षण किसकी दुर्बलों के रक्षण किसकी साधना चाहते हैं, साधना चाहते हैं तो उसका उत्तर है तो कभी पौरुष की साधना चाहते हैं। पौरुष निर्मिता पौरुष की पौरुष की साधना चाहते हैं, पौरुष की साधना चाहते चौथा प्रश्न है कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, किसकी अभ्यर्थना करते हैं कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, कवि कैसी बंधुता की कवि कैसी अक्षर पता नहीं चला हो तो देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो हम सत्य बोले, हम सत्य बोले, हमारे सुंदर विचार हो और मंगलकारी भावना हो, ऐसी आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखियारों का दुख दूर हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुखियारों का दुख दूर हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षण किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना चाहते हैं, पौरुष यानी कि ताकत। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो हमारे अंदर शौर्य एवं धैर्य प्रकट हो, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। हमारे अंदर शौर्य एवं धैर्य प्रकट हो, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। और पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। कैसी बंधुत्व? तो विश्व एक कुटुंब है, तो विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। तो हमने यह प्रश्न हमारे नोटबुक में लिखने हैं। अगले स्वाध्याय के प्रश्न में दूसरे लेक्चर में